एरियर वॉचिंग माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितनी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं और मेरे पास कितना सारा कलेक्शन हो गया पेंटिंग्स का। और अगर आपको पेंटिंग सीखनी हो या फिर बनानी हो कि मैंने कैसे बनाया है, तो आप जाके मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है लिली क्रिएशंस, और हम लोग उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जल्दी से जाइए उस पर, उसको हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट मेरी को बात सुन लो, उस पर जाने से पहले ये वाला वीडियो देख लो, उसके बाद उस पर जाना, ओके? और हाँ सब्सक्राइब करना प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम लोग मेरी पेंटिंग देखते हैं, बटरफ्लाई वाली। ये मेरी पेंटिंग अपनी फर्स्ट वीडियो पर डाली थी, मतलब जो मेरा दूसरा चैनल है लिली क्रिएशन, उसका ये फर्स्ट वीडियो है मैंने बनाया था, उसके लिए मैंने डाली थी ये पेंटिंग। इसमें मेरे को पहले मैंने जब मैंने ये पेंटिंग देखी थी तो मेरे को लग रहा था कि जो मैंने ग्लास बॉटल बनाई है यहाँ पे या फिर ग्लास जार बनाया है यहाँ पे, वो बहुत मुश्किल होगा या फिर ऐसा होगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा मेरे, बट इतना ईजी था ये, आप जाकर उसको देख सकते हैं, बहुत ईजी बनाया था मैंने। एक ग्लास है, बटरफ्लाइज है, एक ग्लास बॉटल है जिसमें से उड़ के। और ये मेरे पास एक और पेंटिंग है स्पेस वाली, इसको भी मैंने अपने चैनल पर बताया है कि मतलब मैंने इसको कैसे बनाया है, आप जाके इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक पिंक कलर का प्लैनेट है, यहाँ पे एक ब्लू कलर का प्लैनेट है, और यहाँ पे एक तो भी ये अभी तक समझ में किया है वो ऐसा है। और एक पेंटिंग है मेरी, इसमें मैंने पूरा ऐसे एक रूम बनाया है, यहाँ पे पूरा वाटर है, पूरा नाइट का सीन है, और यहाँ पे ऐसे पहाड़ है, यहाँ पे एक डॉल्फिन है, दो डॉल्फिन है, और यहाँ पे ऐसे थोड़ा पानी सा हिलता है ना, थोड़ा झाग हो जाता है वैसा, वो बनाया मैंने। मेरा फेवरेट फेस्टिवल क्रिसमस, मुझे क्रिसमस बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसमें बनाई थी सेंटा क्लॉस, हमारा क्रिसमस ट्री, इसकी आँखें भी हैं बड़ी बड़ी, हालांकि होती नहीं हमारे ट्रीज की आँखें, मैंने इस बनाई है ऐसा पूरा नाइट का सीन है, यहाँ पे सेंटा क्लॉस खड़े हुए हैं, और यहाँ पे क्रिसमस ट्री खड़ा हुआ है, और यहाँ पे इसको स्टार है, और बस। और फिर मेरी एक पेंटिंग है योली, इसका भी मैंने मेरा अपना वीडियो डाला है मेरे दूसरे चैनल पे, आप जाके इसे भी देख सकते हैं। इसे मैंने ऐसे पूरा एक ट्री बनाया है, यहाँ पूरी ग्रास बनाई है, स्विंग बनाया है, यहाँ पे बर्ड्स बनाई है, और यहाँ पूरे फ्लावर्स बनाए हैं, और बैकग्राउंड में पूरा ऐसे रेड से ऑरेंज से येलो सब स्टार्ट हुआ है। एक मेरे पास मेरी सेकेंड फेवरेट पेंटिंग है, ये मैंने अपने चैनल पे बताई है दूसरे वाले जिसको कैसे बनाना है। इसमें मेरे को ये जिसका पूरा सी में जो बिल्डिंग है इसको पूरा पेंसिल से कलर करने में मेरे को एक घंटा लगा था, एक घंटा इसको पूरा कलर करने में, सिर्फ इसको जो इसकी मतलब पूरी बिल्डिंग है उसको कलर करने में एक घंटा लगा था मुझे। यहाँ पे ऐसे दो नाइट के सीन्स हैं, यहाँ पे ऐसे दो डे के सीन्स हैं, इसमें नॉन ऐसी बिल्डिंग्स बना दी है, आपकी टेढ़ी मेरी थोड़ी बन गई है। यहाँ पे एक मून है, स्टार्स हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल बनाया है ये वाला साइड को, बस ये और ये वाला साइड सिंपल है, ये और ये वाला साइड थोड़ा सा भरा भरा है। इसमें ऐसे नॉर्मल ट्री बना दिया है, स्ट्रिंग बना दी है, और एक मैंने एपिसोड बना दिया है, और यहाँ पे ग्रास और यहाँ पे बर्ड्स ये बनाया है मैंने, और इसमें मैंने नॉर्मली बनाया है, तो मैंने ऐसे वॉलेट कलर करके पट 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 पट, और फिर ब्लैक कलर करके ब्लैक कर दिया, हो गया, और फिर स्टार्स बना दिए। इसमें मेरे को थोड़ा टाइम लगा था बनाने में, जो ब्रांच हमारी ट्री की है इसमें उसे शेप देने में, पूरी ऐसी ब्रांच गई है। अब एक लालटेन बनाई है मैंने, पूरी जल रही है, तो ये भी मैंने बताया है मैं जाके देख सकते हैं। ये मैंने एक ड्राइंग बनाई है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट सी है क्योंकि ये इसलिए इस ऐसे पूरा मैंने क्रियॉन बनाया है बड़ा सा, उसकी आँखें बना दी हैं, यहाँ पे थोड़े से क्रियॉन्स हैं उसमें अंदर, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन डार्क ग्रीन और ब्लू। फिर इसी की जैसे मैंने एक और बनाया है यहाँ पे पेंसिल होल्डर, जिसमें एक ब्रश रखा है और फिर एक पेंसिल रखी है, उसमें पेंसिल होल्डर है जिसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं और उसका चेहरा भी है, और ये उसकी डिज़ाइन है।
और ये बनाई है मैंने पेंटिंग, फुल बिल्डिंग्स बनाई है मैंने, फिर यहाँ पे पूरा एक ब्लू कलर से स्काई स्टार्ट करा है, पिंक रेड फिर येलो बनाया है मैंने, यहाँ पे एक मून बना लिया है। और फ्रेंड्स से बनाई थी मैंने रिपब्लिक डे पे, इसमें से पूरा एक मोर बनाया है मैंने, यहाँ पे पूरा एक तिरंगा का बनाया है बैकग्राउंड में, और यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था इसमें, मेरे पास व्हाइट कलर खत्म हो गया था, फिर मेरे पास लाइट ब्लू बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने क्या था थोड़ा सा पर्पल लिया था, मैंने पूरा पर्पल थोड़ा सा लिया था, फिर उसे ब्लू करा था मैंने, फिर तो कैसे भी करके मैंने ये वाला कलर बनाया था, फिर वो लाइट ब्लू से नहीं बना था एक्चुअली, अब वो जैसा बन गया था मैंने मैंने कर लिया उसे। और ये मेरी फेवरेट पेंटिंग है, दिस इज माय फेवरेट पेंटिंग, मुझे बहुत अच्छी लगती है पेंटिंग, बिकॉज मेरे पापा को भी बहुत अच्छी लगती है हालांकि पेंटिंग। यहाँ पे ऐसे पूरे ट्रीज बनाए हैं मैंने, एक बड़ा सा मून है, आई थिंक मेरे हाथ बराबर नहीं, हाथ बराबर तो नहीं होगा पर हाथ की हथेली बराबर होगा आपका। फिर यहाँ पे एक ग्रास बनाई है, मेरा पूरा पहाड़ है वो उसी ग्रास है, मैं पूरा सिटी बनाया है। ये एक पेंटिंग है जिसमें मैंने पूरा से एक व्हाइट कलर से हार्ट बनाया है, पूरी ग्रास बनाई है, मैंने बीच में पेपर टेप चिपका दिया था, इसे पूरा डार्क ब्लू से लाइट ब्लू करा है, यहाँ पे भी रोज पिंक और लाइट पिंक चिपका है मैंने, यहाँ पे एक पूरा ट्री बना दिया है, इसमें एक बॉय बैठा है यहाँ पे, हालांकि समझ नहीं आ रहा होगा, मैंने सबको ज़्यादा ही मोटा बना दिया, फुला फुला सा, यहाँ पे एक गर्ल बैठी है, गर्ल मैंने अच्छी बना दी, वो बॉय बनाते बनाते ना एक्चुअली मेरी पेंसिल से थोड़ा सा कलर बाहर चली गया, तो फिर मैंने सोचा कि दोनों से एक साथ बराबर कर देती हूँ, तो थोड़ा सा मोटा बन गया वो। और मैंने बनाई है एक और पेंटिंग बनाई मैंने, ये मैंने बनाई है पूरा से ब्लू पिंक ऑरेंज रेड येलो और क्रीमी कलर पर्पल कलर, इस तरह लेके पूरा मैंने इसको सीक्वेंस इस तरह पूरा एंड कर गई पेज, यहाँ पे मैंने थोड़े से व्हाइट फ्लावर्स बनाए हैं नीचे साइड पे, एक ट्री बनाया एक्चुअली, ट्री का जो मेरे को एंडिंग करनी थी, जैसे मेरे को ब्रांच लेके जानी थी उसमें से, वो थोड़ा गड़बड़ा गया था, ऐसे पूरी झाड़ियाँ आई हैं इसमें से, हालांकि इसमें काटा नहीं अच्छा हुआ, ये तो हमारी जो बर्ड्स बैठी हैं वो चुप जाते। और ये मेरी एक फेवरेट पेंटिंग है, माय फर्स्ट फेवरेट पेंटिंग, यहाँ पे मैंने मतलब थोड़ी सी बुशेस बना दी है, यहाँ पे राइट साइड पूरा बैकग्राउंड ब्लू कर दिया है, एक बड़ा सा मून बना, बड़ा सा इतना बड़ा, और यहाँ पे गर्ड बना दी है, और तो ये लंबी हो गई एक्चुअली, मैं थोड़ा छोटा बनाना था उसे, पर वो लंबी हो गई बनाते बनाते बड़ी थी, तो लाइक अ फैरी फैरी है वो अभी, तो उसकी छड़ी मैं थोड़ी सी अजीब बन गई है एक्चुअली, आज लाइक वो घोड़ी की पूछ होती है ना वैसी लग रही है वो, तो ये पेंटिंग है मेरी एक। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी सारी पेंटिंग्स का कलेक्शन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना, और साथ ही ये वीडियो खत्म हो रहा है अभी तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मेरे दूसरे चैनल के लिंक पे जाओ और उसे भी सब्सक्राइब कर लो, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।